नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूँ आपका अपना बगीचा व्लॉगर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगोनियम के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको पता चले। सिंगोनियम इंडिया के घरों में मिलने वाला एक ऐसा पेड़ जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा इजी टू ग्रो है और इसकी बहुत ही सारी वेराइटीज़ होती हैं। इसको एरोहेड वाइन भी बोला जाता है। एंड अगर आप इसके पत्तों की शेप देखें तो लंबाई में पत्ते होते हैं और पीछे से कुछ इस तरीके के होते हैं, आप देख सकते हैं। इसके पत्ते पिंक कलर में भी आते हैं, ग्रीन पिंक के शेड के अंदर भी आते हैं, अलग अलग वैरायटी के पत्ते होते हैं इसके भी। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, आप इजीली इसको घर में उगा सकते हैं। ये बेल की तरह भी हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से रखना चाहते हो तो आप इसकी कटिंग कर करके इसको एक फॉलिएज वाला पौधा भी बना सकते हैं। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं, अपने घर में लेके आना चाहते हैं, तो मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस रहती हैं फेब्रवरी और सेप्टेम्बर में, आप तब लेके आ सकते हैं। तब अगर आप इसकी थोड़ी बहुत केयर में कमी भी आ जाती है तो भी इसको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये सर्वाइव कर जाता है। लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम ये है कि इनके जो पत्ते हैं इन पर स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं, पेस्ट्स का अटैक होता रहता है इनके ऊपर, तो इसलिए वीकली आप नीम ऑयल से स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल की भी क्वांटिटी आपने मतलब एक लीटर के अंदर सिर्फ दो बूंद नीम ऑयल डालना है, अच्छे से उसको हिला के मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर दिस प्लांट, आप आसपास जितने भी आपके पौधे हैं, हफ्ते में अगर आप एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो पेस्ट्स दूर रहते हैं आपके पेड़ पौधों से। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सॉइल के बारे में। मैंने इसको जहाँ पर उगा रखा है ये है सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट, इसके अंदर और कुछ भी नहीं मिलाया मैंने, सिर्फ कोकोपीट है, वर्मी कंपोस्ट है और स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र डाला है। यही तीन चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। आप सैंड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, सैंड हो गया, सॉइल हो गया। बेसिकली इसको मॉइस्ट वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है, पोरस रहनी चाहिए, हल्का फुल्का मॉइस्चर उसके अंदर कैद रहे और अगर ज़्यादा पानी डल जाए तो नीचे इसके जो ड्रेनेज होल्स हैं वहाँ से पानी निकल जाए। तो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, अटकना नहीं चाहिए, अगर अटकेगा तो रूट रोट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने इसके अंदर सिर्फ कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ है और मैं पर्सनली अपना वाटरिंग इंटरवल, आप देखिए पानी डालने का सब इलाके का अलग अलग हिसाब किताब रहता है, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ। मैं इसके अंदर 3 से 4 दिन के अंदर पानी डालता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे अभी इसको ना मैं बाहर गया था तो मैंने हो गया इसको एक हफ्ता हो गया है, एक हफ्ता तो नहीं, अराउंड 5 दिन के आसपास हो गया बिना पानी के। एंड आप देख सकते हैं इसके जो लीव्स है ना, ये देखिए कर्ल होने लग गए, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पानी की कमी है, इसके अंदर पानी डालना अभी ज़रूरी हो गया है। लेकिन ज़्यादातर मैं इसको 3 दिन के अंदर पानी दे ही देता हूँ, क्योंकि वेल ड्रेन्ड है, अपना डालते ही पानी नीचे से निकल जाता है, तो इतना टेंशन की बात नहीं है। और जो कोकोपीट है वो मॉइस्चर को रिटेन करता ही है, प्लस जो भी इसकी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है वो खाद से मिल जाती है। फर्टिलाइज़र आप जब इसका ग्रोइंग सीज़न होता है, जो कि समर्स है, विंटर्स के अंदर ये डोरमेंट हो जाता है, लेकिन समर्स के अंदर आप डाल सकते हैं, हर 2-3 महीने में आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, इतनी फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट नहीं रहती फर्टिलाइज़र की इसकी। और जब आप पानी डालें तो आप अच्छे से शावर कर सकते हैं, इसके ऊपर से डाल सकते हैं, कुछ इशू नहीं है, बल्कि इसको अच्छा ही लगेगा अगर इसके पत्तों पर भी पानी लगेगा। प्लस आप मिस्टिंग भी करें तो वो भी इसको पसंद है। इसकी जो टिप्स हैं वो अगर ब्राउन होने लग जाती हैं, इसका मतलब ये है कि या तो अंडर वाटरिंग है या तो ओवर वाटरिंग है। ओवर वाटरिंग ज़्यादातर पेड़ों में आप अवॉइड करें तो ही बेटर रहता है, अंडर वाटरिंग एक बार फिर भी हो जाए तो पेड़ को नुकसान होने के कम चांसेस रहते हैं अगर अंडर वाटर हो रहा है। ओवर वाटर से क्या है कि रूट रॉट भी हो सकते हैं, पत्ते भी इसके ब्राउनिश हो सकते हैं, प्लस कलर में भी बहुत इम्पैक्ट पड़ जाता है पानी डालने से ज़्यादा। लाइट की अगर बात करें तो इसको मीडियम लाइट पसंद है, आप वैसे लो लाइट में भी सर्वाइव कर जाता है, घर के अंदर किसी भी कोने में आप इसको रखते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत वहाँ पे लाइट आनी चाहिए, और अगर कुछ ज़्यादा ही कम लाइट है वहाँ पे तो फिर आप इसको हफ्ते में एक बार बाहर धूप में रख सकते हैं ताकि वहाँ पर इसको सनलाइट मिल जाए, लेकिन एकदम डायरेक्ट हार्श सनलाइट के अंदर मत रखना, इसके पत्ते डैमेज हो सकते हैं। लो लाइट के अंदर भी अच्छे से ग्रो करता है, ये मैंने इंडोर रखा हुआ है, सामने जो आप रैक देख रहे हैं इधर ही रखा रहता है, एंड राइट साइड में मेरे विंडो है। और अगर मैं आपको बताऊं, ये पर्टिकुलर पौधा जो है, जो हमारे यहाँ पे किराएदार थे वो छोड़ के चले गए थे, इसके अंदर सिर्फ एक ये वाला जो लीव है ना, ये वाला लीव था, और ये ऑलमोस्ट डेड था प्लांट, इसकी मिट्टी भी ख़राब थी, इसका
और पानी भी नहीं डला हुआ था, मतलब बिल्कुल आईसीयू में था ये प्लांट। और इसकी मैंने बहुत अच्छे से केयर करी और अभी आप देख सकते हो कितने सारे इसके अंदर नए लीव्स आ गए। प्लस ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ना, ये जो आप ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये नोड्स ही रहती हैं। अभी तो इसके अंदर इतनी रूट्स डेवलप एरियल रूट्स नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर जब जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाएगा तो इसके अंदर एरियल रूट्स आती रहेंगी, जिसकी मदद से आप इसको बहुत इजीली प्रोपगेट कर सकते हैं। नीचे से भी निकलता रहता है। ये वाला जो एंटायर इलाका आप देख रहे हैं ना, ये वाले जो 5-6 पत्ते निकले हुए हैं ये इसके जड़ में से निकले हुए हैं। पहले तो सिर्फ ये एक बड़े वाला स्टेम था जिसके अंदर ये पत्ता था। तो नीचे से भी ग्रोथ होती रहती है, प्लस मनी प्लांट की तरह आपको एरियल रूट्स भी दिख जाएंगे इसके अंदर। तो जहाँ पर भी एरियल रूट्स दिख रही हैं आपको, वहाँ से कट करके आप पानी में प्रोपगेट कर सकते हैं। पानी में प्रोपगेट करने के बाद जब इसके अंदर की जो रूट्स हैं जो निकलेंगी वो 2-3 इंच की हो जाए, तब आप इनको सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनके लिए आइडियल टेम्परेचर है 25-35 डिग्री के आसपास, मतलब समर्स ही आप कह सकते हैं। और ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ज़्यादा अगर धूप में लगते हैं तो इनके जो पत्ते हैं ना वो येलो या फिर ब्राउन होने लग जाते हैं। तो मीडियम लाइट ही रखें, इनका कलर भी मेंटेन रहेगा, हल्का सा वाइटिश कलर है इसका। एंड बॉर्डर्स जो होते हैं इसके उनके ऊपर हल्का मतलब डार्क ग्रीन रहता है, बट वो इस पर्टिकुलर वेराइटी की बात है। इसके अंदर पिंक भी आता है और पिंक और ग्रीन के शेड्स के अंदर भी आता है, तो बहुत अलग अलग वेराइटीज़ हैं और उनके वैरायटी के हिसाब से उनकी केयर भी होती है, लेकिन मेजर केयर सबकी बराबर ही है, सेम जैसी। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन सिंगोनियम के बारे में। अगर आप बिगिनर हैं, मतलब जिसने नई नई गार्डनिंग और पेड़ पौधों में रुचि नई नई अगर आपको हुई है, तो ये पौधा मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। आप ज़रूर इसको अपने घर में लेके आएँ। नर्सरीज के अंदर ये 30-50-60 रुपये की रेंज के अंदर मिल जाता है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, ईजी टू ग्रो है। एंड धीरे धीरे जब आप इसके अंदर ग्रोथ देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको अच्छा फील होगा और आप बाकी प्लांट्स की भी अच्छे से केयर कर पाएंगे। और उगता भी काफ़ी जल्दी है, सर्दियों गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर गर्मियों का सीज़न चल रहा है अभी तो आप इसको ज़रूर अपने घर में लेके आएँ, बहुत ही अच्छा पौधा है एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करते हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन सिंगोनियम एरोहेड वाइन के बारे में। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ही बताएं कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी और पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर उसकी प्लांट केयर वीडियो बनानी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।